नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मालाबाल बनने के बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, आप कैसे लखपति बन सकते हैं, कैसे आप पे हो सकती है पैसों के बारिश। जी हाँ, यकीन मानिए, आगे हम आपको इन सभी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, वो भी पूरे तफसील से। दरअसल इस रिपोर्ट में हम आपको सट्टा किंग के बारे में बताने जा रहे हैं। सट्टा किंग ही वही मंत्र है जिससे आप चाहे तो हो सकती है आपके ऊपर पैसों की बारिश, आप पैसों के सैलाब में सराबोर हो सकते हैं। तो आइए आपको पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सट्टा किंग होता क्या है, कैसे आप लोगों की किस्मत बदलने में ये उपयोगी साबित हो सकता है। बता दें कि सट्टा किंग एक प्रकार संभावनाओं का खेल है। अंग्रेजी में कहे तो इसे द इज ऑफ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, या यूं कह लीजिए कि अगर संभावनाओं ने आपका साथ दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किस्मत चमकाने से नहीं रोक सकती है। इस खेल में आपको किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष नंबर आने की संभावना व्यक्त करते हुए एक पर्ची लिखवानी होती है। ये पर्ची आपको ऑफलाइन के लेकर ऑनलाइन लिखवा सकते हैं। पहले ये पर्ची ऑफलाइन लिखवाई जाती थी, लेकिन बाद में इसे ऑनलाइन लिखवाने का प्रचलन भी शुरू हो गया। इंटरनेट आने के बाद सट्टा से संबंधित कई वेबसाइट भी बाजार में आ चुकी हैं जहाँ लोग पर्ची लिखवाते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पर्ची लिखवाने का मतलब क्या है। दरअसल पर्ची लिखवाने का मतलब हुआ कि आपको एक विशेष स्थान पर कोई नंबर आने की संभावना व्यक्त करनी होती है, और अगर अगले दिन वही नंबर आ जाता है तो आपके द्वारा जो निवेश किए गए पैसे होते हैं उस पर कुछ पैसे बढ़ाकर आपको दे दी जाते हैं। इस तरह से इस खेल को पूरी तरह से अंजाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने फरीदाबाद में 15 नंबर आने की संभावना व्यक्त करते हुए पर्ची लिखवाई थी, और अगले दिन वही नंबर फरीदाबाद में आ जाता है तो आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाती है। इस तरह से इस खेल को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इस खेल में कुछ जोखिम भी है। मान लीजिए कि आपने 15 नंबर पर सट्टा तो लगाया, लेकिन अगले दिन वो नंबर फरीदाबाद में नहीं आया तो आपके द्वारा निवेश की गई रकम पर पैसे बढ़ाकर नहीं दिए जाएंगे, और जो पैसे आपने लगाए हुए थे वो भी डूब जाएंगे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इस खेल में संभावनाओं के साथ जोखिम भी है। ऐसे में हाथ आजमाने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप सभी पहलुओं को अच्छे से समझ लीजिए। आइए आगे, आज हम आपको विनिंग नंबर के बारे में पहले विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि सट्टा किंग में भाषा में विनिंग नंबर उन नंबरों को कहा जाता है जिस पर अगर आपने पर्ची लिखवाई है और अगले दिन वही नंबर आए तो सट्टा किंग की भाषा में विनिंग नंबर कहा जाता है। तो बता दें कि इस प्रकार के किसी भी खेल के लिए न्यूज रूम पोस्ट आपको ना ही खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है और ना ही बढ़ावा देता है। ये खेल जोखिम है, इसलिए आप इस खेल को अपने जोखिम पर ही खेलें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकस में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।